यदि आप भी अपने जीवन से दुखी हैं तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि ऐसी कहानियां ही जिंदगी बदलती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी कुएं में मेंढकों का राजा गंगदत्त अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो गंगदत्त एक अच्छा शासक था और सभी का ध्यान रखता था, पर उसमें एक कमी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार गंगदत्त के एक निर्णय को लेकर कई मेंढकों ने उसका विरोध कर दिया। गंगदत्त को ये बात सहन नहीं हुई कि एक राजा होते हुए भी कोई उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे भय था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध ना कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाए। फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गंवाए वह फौरन प्रियदर्शन नाम एक सर्प के पास जा पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक मेंढक को इस तरह पुकारता सुनकर प्रियदर्शन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? गंगदत्त बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ और मैं यहाँ आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कर सकते हैं? प्रियदर्शन ने आश्चर्य से कहा। गंगदत्त बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय में मैं अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ और शस्त्रों में कहा भी तो गया है, सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा हेतु शत्रु की अधीनता स्वीकार करने में ही समझदारी है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें, मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करें। प्रियदर्शन अब बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक की वजह से मेरा पेट भर जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। वह बोला, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सर्प को मदद के लिए तैयार होता देख गंगदत्त प्रसन्न हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहां मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लेकर आऊंगा उसे मारकर आपको खाना होगा, और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएं तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगिएगा, पर कुएं में मैं रहूंगा। कैसे? मैं तो अपने बिल में ही आराम से रह सकता हूँ। प्रियदर्शन ने चिंता व्यक्त की। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके रहने का पूरा प्रबंध पहले ही कर आया हूँ, परंतु वहां जाने से पहले आपको एक वचन देना होगा। वह क्या? प्रियदर्शन बोला, वह यह है कि आपको मेरी, मेरे परिवार वालों और मेरे साथियों की रक्षा करनी होगी। गंगदत्त ने कहा। प्रियदर्शन बोला, निश्चिंत रहो, तुम मेरे मित्र बन चुके हो, अतः तुमको मुझसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मार मार खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा गंगदत्त प्रियदर्शन को लेकर कुएं में उतरने लगा। पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल था। प्रियदर्शन उस बिल में जा घुसा और गंगदत्त चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन गंगदत्त ने एक सभा बुलाई और कहा कि आप सबके लिए खुशखबरी है, बड़े प्रयत्न के बाद मैंने एक ऐसे गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं, पर ध्यान रहे मार्ग कठिन और अत्यधिक संकरा है, इसलिए मैं एक बार में बस एक ही मेंढक को उससे लेकर जा सकता हूँ। अगले दिन गंगदत्त एक दुश्मन मेंढक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना अनुसार सांप के बिल में ले गया। प्रियदर्शन तो तैयार था ही, उसने फौरन उस मेंढक को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब गंगदत्त का आखिरी दुश्मन प्रियदर्शन के मुख का निवाला बन गया। गंगदत्त का बदला पूरा हो चुका था। उसने चैन की सांस ली और प्रियदर्शन को धन्यवाद देते हुए बोला, हे सर्पराज, आपके सहयोग से आज मेरे सारे शत्रु खत्म हो गए, मैं आपका ये उपकार जीवन भर याद रखूंगा, कृपया अब अपने घर वापस लौट जाएं। प्रियदर्शन ने कुटिलता भरी वाणी में कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वही उसका घर होता है, अब मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? अब तक तो किसी और ने उस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया होगा, मैं तो यही रहूंगा। पर आपने तो वचन दिया था, गंगदत्त गिड़गिड़ाया। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला नीच आज मुझसे मेरे वचन का हिसाब मांगता है? प्रियदर्शन ठाका मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते गंगदत्त को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज गंगदत्त को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो खुद भी जल रहा था। दोस्तों, क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से श्रेष्ठकर बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है, उसके मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसी आग होती है जो किसी और को जलाए या ना जलाए, बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है। अतः आपको और हमें इस दुर्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका फल उसे भगवान को देने दीजिए। दोस्तों, सदैव ध्यान रखिए, खुद को बदले की आग में मत जलाइए।
जो भगवान करता है वो सही करता है, इसलिए आप अपनी तरफ से कभी भी कोई गलत कर्म ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो ही हमारी जिंदगी बदलते हैं। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी, ओम हनुमते नमः।